हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं ना बहुत बिजी होने के कारण मैं वीडियोस कुछ दिनों से बना नहीं पाई, 2-3 दिनों से। तो हम भगवद गीता के आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम सीखते हैं। इसमें हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि नेगेटिविटी, थिंक एंड डाउट, ये जो होती है इनको ख़त्म करना। इनको कैसे ख़त्म करना, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं और ये भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है और हम लोग हमेशा ट्विन जर्नी में भी यही बात सुनते आ रहे हैं कि नेगेटिव थिंक एंड डाउट्स को पहले, सबसे पहले ख़त्म करना होगा, हमें पॉजिटिव होना होगा। तो उसे कैसे करें, तो खुश नहीं रह सकते यदि हम लोग अगर नेगेटिव थिंकिंग और किसी भी चीज़ में डाउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फेथ रखना होता है अपने गॉड पे, हमारे डिवाइन पे, डिवाइन पे कि डिवाइन ने हमें ये रास्ता दिखाया है, डिवाइन ने हमें ये बताया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वही हमें आगे भी लेके जाएंगे। इस बात का हमें पूरी तरह से जब फेथ होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा मोटा डाउट भी अगर आता है, उसी वक्त हम हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए अपने यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं हार्टफुली और उन पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, हमें आप पे पूरा पूरा भरोसा है, जो भी आपके फेवरेट गॉड है या फिर डिवाइन, हमें पूरा पूरा आप पे भरोसा है, आप जो भी रास्ते पे हमें लेके जा रहे हैं उसी फ्लो में हमें जाना है। तो ये किसी बात को हमें समझना है और नेगेटिव थिंक अगर आता भी है तो उसी टाइम पे हमें ये जैसे ही रियलाइज़ होता है कि हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसी वक्त हमें ये कहना है कि नेगेटिव थॉट्स को हटाते हुए ये कहना है कि वी आर सो हैप्पी एंड डिवाइन पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मेरा डीएम मेरे साथ है और हम लोगों का जो भी अफर्मेशंस है, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलिए, खुद से प्यार के अफर्मेशंस, खुद से टाइम निकालने का, खुद को वक्त देने का, खुद को बैलेंस रखने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, जो इतनी प्यारी ऑसम लाइफ मुझे दी है। ये इस तरह से हमारे नज़रिए को चेंज करना है। जब हम नज़रिए को चेंज करेंगे तभी ये नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स जो है उसको दूर करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या कार्य होगा कि हमारे नज़रिए को चेंज करना है, हमारे दृष्टिकोण को चेंज करना होता है। पता है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक अंधे इंसान को बोला गया कि कितना बदनसीब है तू कि तू देख नहीं सकता है। तो अंधे इंसान ने क्या बोला, बोलते हैं पता है कि बदनसीब मैं नहीं हूँ, वो लोग हैं जो कि भगवान को नहीं देख पा रहे, मैं तो उस भगवान को देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ, मेरा पूरा ध्यान उस भगवान पे होता और भगवान मुझे देख पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि भगवान मुझे देख पा रहे हैं, मुझे इतने इंट्यूशंस होते हैं, सिक्स सेंस मेरा काम करता है। जो अंधे लोग होते हैं उनके सिक्स सेंस ज़्यादा काम करते हैं, आपने सुना होगा कई बार। तो भगवान मुझे देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। आप सबको भले ही नहीं देखेंगे लेकिन भगवान मुझे ज़रूर देख रहे हैं। हर वक्त उनका नज़र मेरे तरफ होता है, हर वक्त वो मुझे देख रहे होते हैं, मुझे इतनी सारी पावर्स दिए हैं, भले ही आँख नहीं दिए, ऐसा उनका कहना था उस अंधे व्यक्ति का। तो ये है नज़रिया, मतलब कि अपने दृष्टिकोण को चेंज करो, अपने नज़रिए को चेंज करो। वो व्यक्ति अगर यही दुख में होता कि मेरे आँख नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं बिना हेल्प के नहीं जा सकता, तो वो कैसे खुश रहेगा। वो नज़रिया उसने चेंज किया कि मैं भले ही भगवान को नहीं देख सकता, अंतरात्मा से देख पा रहा हूँ मैं और भगवान मुझे देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। वो ऐसा भी बोलता है कि लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं भले ही उनको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन लोग मुझे तो देख पा रहे हैं। तो ये है डिफरेंस नज़रिए बदलने का। तो जब हम नज़रिया बदलते हैं तो खुश रहने के लिए सब ऑटोमेटिकली हमारी खुशियाँ आ जाती है। तो नज़रिए को बदलना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
घमंड करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। घमंड ईगो रखने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। कोई भी चीज आपके पास हमेशा नहीं रह सकती। वक्त हमेशा बदलते रहता है और किसी को समान रूप से देखना ही चाहिए। मतलब किसी को अलग रूप से, कोई ये नीचा है, ये ऊपर है, ये मैं बहुत अमीर हूँ, इस प्रकार का जो कुछ लोग घमंड करते हैं या किसी भी चीज़ का, घमंड ईगो नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमें बताई भी गई है भगवद गीता में, और हमारे लाइफ में भी यही चेंजेस करना है कि हमारे ये इशू को भी निकालना है। इससे पहले के जितने भी भगवद गीता के जितने भी मैंने बताया है ना, उसमें भी वही चीज़ें हमें अपने आप में चेंज करने, जो अपने इश्यूज़ है, अपने को अपने इश्यूज़ कैसे पता चलेंगे, भगवद गीता में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको चेंज करेंगे, तभी तो वो होगा कि हम लोग उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो घमंड नहीं करना है, ईगो को पूरी तरह से खत्म करना, ये पहले से हम ट्विन जर्नी में सुनते आ रहे हैं, वही भगवत गीता में है। तो इसके जितने भी पहले के पार्ट से वो आपने जरूर देखना, बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान किसी चीज, अब नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, ये तो ईगो का तो बताइए, अब ईगो को हटाए कैसे। तो ईगो को हमारे अंदर का घमंड जो रहेगा कि हम लोग अमीर है, गरीब है, इस प्रकार का, चलो एग्जांपल के साथ में बताती हूँ मैं आपको, कि कोई व्यक्ति है वो अपने आप को बहुत ही ऐसा समझता है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, ठीक है, दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ मैं, और बाकी सब लोग ऐसे ही हैं, बेकार है, ऐसे जब सोचते हैं तो वो ईगो है। लेकिन अगर मैं खूबसूरत हूँ और सब लोग भी खूबसूरत है, सब लोग समान है, अगर ऐसा सोचते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में सब लोगों को अनकंडीशनली प्यार दे रहा है व्यक्ति, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये डिफरेंस है कि कभी कभी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर कंफ्यूजन होता है तो ये डिफरेंस है कि सबसे बेहतर मैं ही हूँ, मैं और सब कुछ मैं ही हूँ इसमें, और मैं अच्छा हूँ और सब लोग भी अच्छे हैं, इसको सोचने में तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझी तो मुझे पूछना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी इंसान, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वाला है ये, कोई भी इंसान किसी चीज में तभी माहिर बनता है जब वो इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है। जो चीज़ें हमें पसंद है, जिसमें हमें पैशनेट है, हम जिसमें हम इंटरेस्टेड है, उसमें अगर करियर अगर हम बनाते हैं तो वही चीज़ों में हम क्या बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। तो वही चीज़ में, ये तो ये भगवद गीता में भी बोली गई है ये बात, और हम लोग हर जगह पे भी सुनते ही आ रहे हैं कि जिस चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है वो काम करने में, और जो इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरों की इच्छा से जी रहे होते हैं, तो वो अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, वैसे तो हम कुछ बनना चाहते हैं, करियर वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम दिखावा कर रहे हैं किसी इंसान, हम दिखावा कर रहे हैं कि आगे वाला इस प्रकार से हमें देखना चाहते हैं, और ओरिजिनल में हम अंदर से अलग है, तो वो वैसा नहीं करना है हमें। ओरिजिनल में हम जो है, हमारा जिसमें इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को बाहर लाए, क्रिएटिविटी भी आ सकती है इस पॉइंट के अंदर, कि क्रिएटिविटी को बढ़ाए। तो क्रिएटिविटी बढ़ेंगी तभी तो होगा, कि जबकि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी क्रिएटिविटी के बारे में बोला गया है कि क्रिएटिव अपनी जो भी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं उसको करना, तो क्रिएटिविटी करना, कुछ अब किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को कुछ, तो किसी को कुछ अलग अलग चीज़ें, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को पियानो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, स्केच करना आता है किसी को, बहुत अच्छा लगता है वो, किसी को घर में बनाए हुए कुछ वस्तु ऐसे बनाने, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को मेकअप करना पसंद है। तो आपकी जो पसंद है उन चीज़ों में पैशनेट, उन चीज़ों को करने में मज़ा आता है, अपने आप को उन चीज़ों में लाने की ज़रूरत है। और कोई भी इंसान जो है किसी भी चीज़ को तभी उसमें माहिर हो सकता है जब उसमें हमें इंटरेस्ट हो।
तो आपको जो आपको जैसे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, क्या एन इंजीनियर बनना है या फिर क्या बनना है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जबकि हमें इसमें भी ट्विन फिल्म जर्नी में भी हमें इंटरेस्ट अगर कोई चीज़ों में है तो कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ से संबंधित हैं, जैसे कि बुक। हाँ, बुक, एक बुक, बुक, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को और डिटेलली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू एंजॉय यार मुझे यार ऐसे यानी आदत हो गई है। अब इससे पहले मैं दूसरे वीडियोस बनाती हूँ ना, मोटिवेशनल वीडियोस से पहले बनाती थी, तो उस वक्त इसमें क्या है, इसको भी एंजॉय कीजिए, लेकिन सडनली आया ना मेरे मुंह से कि एंजॉय तो एंजॉय कीजिए इन वीडियोस को देख सुनकर भी, क्योंकि जब हम एंजॉय करेंगे तो तभी तो हम इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, तभी तो एंजॉय कर पा रहे हैं, इन चीज़ों से कुछ सीख पा रहे हैं। तो एंजॉय हर चीज़ में हमें एंजॉय करना होता है, एक्चुअली पेन में भी एंजॉय करना होता है। तो ये ट्विन फिल्म जर्नी को भी एंजॉय करते हुए, अच्छी अच्छी बातें सीखते हुए, ये ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी एंजॉय करना। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना कुछ अगर सीखा है तो, ताकि लोगों को और सब लोग जो ट्विन फिल्म जर्नी में, सबको हेल्प हो सके, सब लोगों को शेयर कर दीजिए जो ट्विन फिल्म जर्नी में है उन्हीं को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी लास्ट तक के वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।